चलता उसी का है जो इनके सामने झुकता है। विवेक रंजन अग्निहोत्री ने बताए वो नाम जो चलाते हैं बॉलीवुड। सुर्फनका की कारिस्तानी भी बताई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड डॉम पर। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स का 21 फरवरी 2022 को ट्रेलर रिलीज हुआ था। उन्होंने पिछले दिनों फिल्म समीक्षक अनुपमा चोपड़ा को सुर्फनका बताते हुए फिल्म को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। अब उन्होंने एक वीडियो जारी कर चोपड़ा की कारिस्तानी के बारे में विस्तार से बताया है, साथ ही उन लोगों के नाम भी बताए जो कथित तौर पर बॉलीवुड को चलाते हैं और उसके नियम कायदे सेट करते हैं। विवेक अग्निहोत्री ने गुरुवार 24 फरवरी को वीडियो जारी करते हुए कहा कि वे अपनी फिल्म के दर्शकों से सीधा संपर्क रखते हैं। जो दर्शक अच्छी कंटेंट वाली फिल्म देखना चाहते हैं वो उनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रखते हैं। निर्देशक ने कहा कि आज के समय में सिर्फ ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम पर प्रचार करके फिल्म के बारे में जागरूकता नहीं फैलाई जा सकती है। फिल्म के बारे में हर एक को पता चले और वहाँ थिएटर तक आए, इसके लिए लड़ाई बॉलीवुड के महारथी से जो करोड़ों करोड़ों में खेलते हैं उनके साथ में है। दुर्भाग्य से इन लोगों ने सारा का सारा मीडिया खरीद रखा है। इस दौरान करण जौहर धर्मा प्रोडक्शन, यशराज प्रोडक्शन, विधु विनोद चोपड़ा का नाम लेते हुए कहा कि बॉलीवुड में 4-5 ऐसे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस है जो बॉलीवुड के नियम सेट करते हैं। ये तय करते हैं कि किसका करियर यहाँ चलेगा और किसका नहीं। जिसका ये चाहते हैं कि ना चले उसको खत्म करने की कोशिशें करते हैं। चलता उसी का है जो इनके सामने झुकता है। उन्होंने आगे कहा कि विवेक रंजन अग्निहोत्री ना तो कभी किसी के सामने झुका है और ना ही कभी झुकेगा। इसका परिणाम यह है कि मुझे इसका हर्जाना भरना पड़ता है। उन्होंने कहा कि ट्विटर ने उन्हें अनुपमा चोपड़ा के फिल्म कैंपेनियन का ट्वीट पढ़ने के लिए रिकमेंड किया है, जिसमें गहराइया की तारीफ थी। वहाँ फिल्म जिसे पब्लिक ने उठाकर कचरे के डब्बे में फेंक दिया है, उसे यहाँ लोग मार मार कर हिट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अग्निहोत्री ने कहा कि मैंने सोचा कि फिल्म कैंपेनियन हर फिल्म के बारे में लिखता है, तो हमारा ट्रेलर जिसे 12 से 24 घंटे के अंदर 7.8 मिलियन व्यूज मिल गए थे, इसके बारे में कुछ तो लिखा होगा। ट्रेलर के बारे में लोग तारीफ कर रहे हैं कि कश्मीर के बारे में इससे ज़्यादा सच्चाई कहीं देखी नहीं, तो मैंने सोचा कि जिस महिला की शादी एक कश्मीरी पंडित यानी कि विधु विनोद चोपड़ा से हुई है, जिसने कश्मीर के ऊपर 2 बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं, उसकी साइट पर कश्मीर फाइल्स के ट्रेलर के बारे में कुछ तो लिखा होगा, मैंने जाकर चेक किया। इसके बाद में अग्निहोत्री ने वीडियो में बताया कि कैसे फिल्म कैंपेनियन ने गहराइयों के बारे में ट्वीट्स की लाइन लगा रखी थी। वहीं कश्मीर फाइल्स के बारे में एक ट्वीट किया था जिसमें वे उनकी पिछली फिल्म द ताश्कंद फाइल्स की समीक्षा छापी थी और इसे ए सेकंड हैंड हिस्ट्री लेसन थर्ड रेट पॉलिटिक्स करार दिया था। उन्होंने कहा कि यहाँ काम या तो कोई पागल कर सकता है या फिर पूरी तरह से पैसों में बिका हुआ आदमी करता है, एक बहुत ही शैतान बुद्धि वाला व्यक्ति करता है। शैतान बुद्धि वाला जो आदमी है उसे मैं अर्बन नक्सल बोलता हूँ। आगे उन्होंने विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म सिकारा और अपनी ताश्कंद फाइल्स की बात करते हुए कहा कि इसके IMDB पर रेटिंग 3.9 है जबकि ताश्कंद फाइल्स की रेटिंग 7.9 है। अनुपमा को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि अपने पति के फिल्म के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने के बावजूद उन्होंने इतना प्रमोट करने की कोशिश की, जिसके बाद उन्होंने दिखाया कि चोपड़ा की फिल्म देखने के बाद कश्मीरी पंडितों ने किस तरह से रिएक्ट किया था। वीडियो में वो कहते हैं कि अब मुझे ये बताइए कि जिसके पति ने कश्मीरी नरसंहार पर 2 फिल्में बनाई, पहली फिल्म में आतंकी को जस्टिफाई किया, कश्मीरी पंडितों के दर्द के बारे में एक शब्द नहीं बोला, और दूसरी फिल्म में जवाब दिया कि क्या फ़र्क पड़ता है, जिन लोगों ने तुम्हारी माँ का रेप किया, भाइयों को काट डाला, पिता को 50 टुकड़ों में काट कर फेंक दिया है, उन लोगों को गले मिलो, आई लव यू बोलो और मूव ऑन करो, इसको आपने क्या करण जौहर की फिल्म समझ रखा है? आप गहराइया जैसी फिल्म को प्रमोट करती है और अब कश्मीर फाइल्स की बारी आती है जिससे 10 लाख कश्मीरियों की भावनाएं जुड़ी है, जिस समस्या को लेकर भारत का हर युवा हर व्यक्ति परेशान है पीड़ित है, उस फिल्म को रिलीज होने से पहले ही जिसको आपने देखा तक नहीं है उसके साथ ऐसा क्यों? निर्देशक ने कहा कि आप में अगर फिल्म को लेकर जरा सा भी प्यार है तो एक स्वतंत्र फिल्म मेकर जिसका बॉयकॉट किया है आप और आपके बॉलीवुड ने, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि मुझसे कहीं भी खड़े होकर सिनेमा की बात कर लें। बता दें कि इससे पहले अग्निहोत्री ने बुधवार यानी कि 23 फरवरी को फिल्म कैंपेनियन की प्रमुख अनुपमा चोपड़ा के खिलाफ ट्वीट करते हुए आरोप लगाया था कि वहाँ उनकी फिल्म को टारगेट करने की लिए पीछे से गंदी चाल चल रही है। विवेक अग्निहोत्री ने अनुपमा को सुर्पनखा कहते हुए पूछा, अगर आप में हिम्मत है तो द कश्मीर फाइल्स को खुलेआम नुकसान पहुंचाओ, कृपया पीछे से गंदी हरकतें करना बंद कर दो। आपकी एकमात्र योग्यता यहाँ है कि आपकी शादी एक ऐसे निर्माता से हुई है जिसने केपी यानी कि कश्मीरी पंडित होने के बावजूद भी केपी की पीठ पर चूरा गोपा है। तो दोस्तों, आपकी जो भी हो रहा है कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।